हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये लेशन सेकंड है एनसीईआरटी हॉर्नबिल बुक का, जो कि एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए ही लागू होती है। इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3rd, 3 जनवरी की सुबह की बात है, द पम्प हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। यानी कि 3 जनवरी को सुबह पंपों ने पानी निकाल कर पानी के स्तर को कम कर दिया था। अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में थी और पंप को भी 2-2 घंटे के अंतराल में रोक दिया जाता था और उस अंतराल में हम उनको चला रहे थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट। परंतु अब भी हो क्या रहा था, लेकिन अभी भी कहीं से गंभीर रूप से पानी अंदर प्रवेश कर रहा था। ट्रेमेंडस मीन्स गंभीर। और देखने के बाद मुझे पता चला कि, और जब ऑदर कह रहा है कि मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि वहाँ पर कहीं पर लीक था, बहुत ज़्यादा लीक था, और इतना लीक था और वाटर लेवल के नीचे, यानी कि नाव में जहाँ तक पानी आ रहा था उससे नीचे वो था, तो पानी अंदर आ रहा था। जब मैंने देखा तो मैंने फाउंड किया, क्या किया कि मेन रिफ फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। और जब देखा गया तो ये पता चला कि जो किश्ती थी, यानी कि जो नाव थी, उसके नीचे जो लकड़ी का फ्रेम था वो टूटा हुआ था। देर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टिकल्स। और जब वहाँ देखा गया तो पानी का जब अंदर आ रहा था तो वास्तव में जो किश्ती का दाहिना हिस्सा है वो किसी के सहारे नहीं था, मतलब वहाँ पर उसको कोई सपोर्ट नहीं बचा था। कुछ अलमारियों या फिर कुछ चीज़ें जो टूटी फूटी थी कपबोर्ड, उसमें वो बंट गया था, यानी कि टूट गया था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। और हम उन लहरों से टकराने के बाद हमें 15 घंटे हो चुके थे और हम अब भी जीवित थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। परंतु यहाँ पर वेव वॉकर, यानी कि उनकी जो नाव थी, वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच सके इतना वो एक साथ जुड़ी नहीं रह सकती थी, मतलब बिना टूटे वो नहीं बच सकती थी। आई चेकड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। और जब मैंने अपने चार्ट को देखा और हिसाब लगाया, यानी कि कैलकुलेशन किया, तो 2 छोटे टापू पूर्व दिशा में, यानी कि ईस्ट की ओर कुछ 100 किलोमीटर्स की दूरी पर वो थे, उनके बारे में मुझे पता लगा। वन ऑफ देम, उनमें से एक जो था वो था आइले एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम नाम का आइलैंड था। वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि फ्रेंच यानी कि फ्रांस का एक वैज्ञानिक अड्डा था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज, और हमारी जो एकमात्र लक्ष्य था वो उन पर पहुँचना था। और ये कैसा लग रहा था उनको, एक तरह से पिंक प्रिक्स इन द वेस्ट ओशन, एक बड़े से सागर में, यानी कि विशाल से समुद्र में उनको एक छोटे से तिनके के समान, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा लग रहा था। बट अनलेस द वाइंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, लेकिन हवा और लहरें, अबेटेड मीन्स उनका तेज होना, यानी कि बहुत ज़्यादा एक तरह से रिड्यूस करना, स्पीड को क्या कर रही थी, वो कम कर रही थी, अबेटेड मतलब कम करना। तो वास्तव में जो हो रहा था वो क्या हो रहा था कि चांसेस कम थे और ये उनको विरोध कर रही थी, यानी कि उनकी नाव की गति को रोक रही थी। अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, वास्तव में हमारे वहाँ पहुँचने की संभावना बहुत कम थी। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो ग्रेट वेव यानी कि बहुत तेज चलने वाली जो हवाएं थी, उन्होंने हमारे सहायक इंजन को भी नाकाम कर दिया था, यानी कि जो इंजन था सपोर्टिंग इंजन वो भी काम करना बंद हो चुका था। नेक्स्ट है कि ऑन January 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, और 4 जनवरी को लगातार 36 घंटों तक, यानी कि 36 आवर्स तक लगातार पानी निकालने के लिए, पंपिंग करके पानी जो निकाला था वो करने के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम पानी में कुछ सेंटीमीटर ही आगे बढ़ पाए थे। नाउ अब वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर
स्टिल कमिंग इन, और अब हमें केवल अंदर आने वाले पानी की गति के साथ हमें चलना था, यानी कि उसको आपको रोकना था, यानी कि ऑर्डर कहता है कि उसे हमें रोकना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, जो मेन मास्ट था यानी कि मुख्य मस्तूल बोलते हैं इसको, उसके ऊपर हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, यानी कि आगे सेल नहीं कर सकते थे, यात्रा समुद्र यात्रा जो है वो नहीं कर सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, जो मेन मास्ट था ठीक है, उसको सहारा देने वाली जो रस्सी थी उसका दबाव उसके ऊपर पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो मींस जो नाव की जो खोल है ऊपर का जो हिस्सा है वो टूट सकता था, खराब हो सकता था, नष्ट हो सकता था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आईलैंड वर, और फिर क्या किया हमने, हमने जो छोटी तूफानी पाली रहती है या लहर जो रहती है उसको डाल दिया, जिसकी वजह से हमने जो है थोड़ा सहारा मिले, और फिर हमने नाव का मुंह उस तरफ मोड़ दिया जिन टापुओं पर हमें जाना था, या उस तरफ हम मुड़ गए नाव को लेकर। मेरी फाउंड, मेरी जो कि उनकी वाइफ है, फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स, क्रैकर बिस्किट्स, बीफ यानी कि गोमांस होता है, तो कुछ गाय का मांस और कुछ बिस्किट उनको मिले वो उनके पास थे। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट टू डेज, और लगभग दो दिनों में हमने अपना पहला खाना खाया था, यानी कि पहला मील हमने किया था। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लाइव्ड, परंतु हमारी आराम करने की जो ये चीज़ थी या आराम करने का जो समय था वो बहुत छोटी अवधि थी। और फिर 8:04 PM और 4 बजे क्या होता है, ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे पीछे से 4 बजे जब, तो जब 4 बजे तो पीछे से काले बादल जो है वो बनना शुरू हुए। विद इन द आवर, और घंटे भर के अंदर, द वाइंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और 40 knots यानी कि एक समुद्री मील होती है, स्पीड नापने की एक गति होती है, तो स्पीड की जो स्पीड थी वो 40 knots थी, और वो हवाएं इतनी तेज़ी से चलने लगी और समुद्र की जो लहरें हैं वो ऊपर उठना शुरू हो गई थी। द वेदर कंटिन्यूड टू डेटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात जो मौसम है वो ख़राब रहा। एंड बाय डाउन ऑन जनवरी, और 5 जनवरी की सुबह, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्पेरेट, डिस्पेरेट मीन्स निराशाजनक, हमारी स्थिति जो थी 5 जनवरी की सुबह वो निराशाजनक की निराशाजनक रही, यानी कि कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं हो पाया था उस समय तक। When I went in to comfort the children, और जब मैं बच्चों को कम्फर्ट देने के लिए पहुंचा, John asked, तो John जो उनका लड़का था उसने पूछा, क्या पूछा है कि फादर डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि पिताजी क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उसको आश्वासन देने की कोशिश करी या दिलासा दिलाई कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम सफल निश्चित ही हो जाएंगे। तो बच्चे ने कहा, बट डैडी, परंतु पिताजी, ही वेंट ऑन, आगे वो कहता है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शू एंड आई, वो कहता है कि पापा हमें डर नहीं लगता, अगर हम मर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चारों जो एक साथ रहें तो मुझे कोई डर नहीं है, तुम, मम्मी, शू यानी कि बहन उसकी, और मैं एक साथ है तो हमें कोई किसी बात की चिंता या डर नहीं है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, मुझे शब्द नहीं मिले कि किस तरीके से मैं उसका जवाब दूं, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, परंतु यहाँ पर उसके पास शब्द ना होने के कारण वो चुपचाप जो है बाहर आ जाते हैं केबिन को छोड़कर, और समुद्र के जो तूफान है उससे लड़ने का निश्चय कर लेते हैं, जो भी आइटम उनके पास है, जो भी सपोर्ट उनके पास है, उस सपोर्ट का यूज़ करते हुए उन्हें डिसाइड कर लिया कि वो लड़ेंगे। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और जो कमज़ोर हिस्सा था किश्ती का, यानी कि नाव का जो कमज़ोर हिस्सा था, उसको लहरों से बचाने के लिए कुछ चीज़ों को उन्होंने उठाया, क्या किया उसको बचाने के लिए, विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, तो जो अनडैमेज्ड हिस्सा था उसको उन्होंने कहाँ पर रख दिया, उसके उस हिस्से पर रख दिया जो डैमेज हो चुका था, वहाँ पर उसको प्लेस कर दिया ताकि थोड़ा सा उससे सहारा मिले उस हिस्से को, और लहरों की वजह से वो टूटे नहीं। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड
टू 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि दो काम चलाए लंगर जो थे उनका प्रयोग किया, और भारी नायलॉन की जो रस्सी थी और 22 लीटर पैराफिन के जो प्लास्टिक नली का बना हुआ था उसको वहाँ पर रख दिया जिससे उसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। दैट इवनिंग उस शाम मेरी एंड आई, मतलब उसकी वाइफ और अदर दोनों सेट टुगेदर, वो एक साथ बैठ जाते हैं होल्डिंग हैंड्स, हाथ में हाथ लेकर। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, प्लैंक्स मीन्स छेद होता है एक तरह से। उस दिन शाम को मेरी और अदर जो एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे जैसे किश्ती यानी कि नाव की गति आगे बढ़ रही थी, लहरों से ज़्यादा पानी छेदों में से घुस कर और अंदर आ रहा था। वो दोनों ने महसूस कर लिया कि अब हमारा अंत जो है वो क्या है, निकट है। मीन्स उनको ऐसा फील होना शुरू हो गया था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, यानी कि अंत करीब है ऐसा उन्हें महसूस हो गया था। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, परंतु जो वेव वॉकर थी वो तूफान से बाहर आ गई, और 6 जनवरी की सुबह जब हुई तो उन्होंने क्या देखा कि 6 जनवरी कुछ उनके लिए अच्छा लेके आई थी। विद द वाइंड ईजिंग, तो हवा जो है वो ढल गई थी, यानी कि थोड़ी हल्की हो गई थी, हवा थोड़ी कम हो गई थी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और सेक्सटेंट जो है एक तरह का यंत्र है जिससे कि एक षटफलक वाला होता है, 6 फलकों वाला, जिस जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये मेज़र करता है कि डिस्टेंस को मेजर करता है, मतलब यानी कि डिस्टेंस कितनी है, दूर कितनी है ये। तो वहाँ वो पूरा उस यंत्र से जांच करने की कोशिश करने लगे अदर कि हम कितनी दूर है। आई वर्क ऑन वाइंड स्पीड, सबसे पहले तो उन्होंने हवा की दिशा और सॉरी हवा की जो हमें जो परिवर्तन आया था, यानी कि उसकी स्पीड में जो चेंजेस आया था उसको उन्होंने ऑब्जर्व करने की कोशिश करी उस पर्टिकुलर जो सेक्सटेंट नाम का जो यंत्र था उससे, और क्या पता लगाया कि चेंजेस ऑफ कोर्स, तो निश्चित ही हवा की जो गति थी वो थोड़ी सी बदल गई थी, उसमें परिवर्तन आया था। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और जो उस समय मतलब दिशा उसकी लहर यानी कि जो लहरें थी उनकी दिशा और उनकी स्पीड का जब कैलकुलेशन किया तो पता चला कि वो थोड़ी कम आ गई थी, और उनकी पोजीशन का भी उन्हें पता लगा कि वो फ़िलहाल कहाँ पर स्टैंड है, यानी कि कहाँ पर वो खड़े हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, और जितना अच्छे से मैं कैलकुलेशन कर सकता था मैंने किया, और वो कैलकुलेशन था कि वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड। तो सबसे अधिक जितना वो कर सकता था उसके अकॉर्डिंग अदर ने किया, और यह पाया कि समुद्र में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर के दूरी पर वो है, यानी कि जो पूरा समुद्र है वो 1.5 लाख किलोमीटर का एरिया का है, और उसमें वो एकमात्र 65 किलोमीटर चौड़े जो द्वीप है उसको वो सर्च कर रहे थे उस बड़े से समुद्र में। व्हाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, और दर्द से करहाता हुआ जो है वो शू जो है वो पास आती है, जॉइंड मी, वो मुझे ज्वाइन करती है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन एंड हर बैकेंड आईज नेरोड टू स्लिट्स, और देखा तो क्या देखा कि उसके सिर का जो बायां हिस्सा है वो फूला हुआ था, और उसकी आँखें जो है वो टकराने के कारण थोड़ी सी छोटी हो गई थी, यानी कि सूज गई थी, तो इसलिए वो छोटी दिख रही थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, और उसने मुझे फिर एक कार्ड दिया जो कि उसने खुद ने बनाया था, किसने, उस लड़की ने। ऑन द फ्रंट और सामने की साइड से शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मेरी एंड मी विद द वर्ड्स, कुछ वर्ड्स के साथ कैरिकेचर बनाया था, यानी कि कार्टून जैसे चित्र जो है वो बनाए थे ऑदर के और उसकी वाइफ के, यानी कि लड़की ने उसकी मम्मी पापा के बनाए थे, और कैरिकेचर के साथ क्या लिखा था, यानी कि जो कार्टून थे उनके साथ क्या लिखा था, हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं, या कुछ हम बोल सकते हैं कि कुछ अजीब लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इनको देख कर आपको हंसी आती है, या मीन्स उन कार्टून को देखकर हंसी आती है। आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं बहुत हंसा उसको देखकर, मैं बहुत हंसा, मतलब कि ऑदर बहुत हंसा।
सॉरी, लड़की ने कहा कि मैं बहुत हंसी, इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज था, और मैसेज क्या था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, और ये कार्ड इसलिए है कि मैं आपको धन्यवाद कह सकूँ, एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और आशा करती हूँ कि कुछ अच्छा हो, सम हाउ वी हैड टू मेक इट, मैंने कहा कि हमें उम्मीद है कि किसी तरह से हम इसे आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल कर बिल्कुल आएंगे। आई चेक्ड एंड री चेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने दोबारा दोबारा चेक की अपना कैलकुलेशन को, वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वैकेशन वेरिएशन, हमने अपनी जो दिशा सूचक जो यंत्र था उसको खो दिया था, यानी कि वो टूट गया था और ख़राब हो गया था, और इसके अतिरिक्त जो यंत्र था उसका वो प्रयोग में कर रहा था, लेकिन उसका जो चुंबकीय प्रभाव है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके हिसाब से गणना नहीं कर पा रहा था, वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसकी अच्छे से वेरिएशंस आ रहे थे, यानी कि ठीक से कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा था। आई मेड एन अलायंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, मैंने फिर उसको नज़रअंदाज करते हुए पश्चिमी दिशा से चलने वाली जो हवाएं थी, जो लहरें थी, उनका प्रभाव का अनुमान लगाना शुरू किया, जो कि हिंद महासागर से आ रही थी, यानी कि इंडियन ओशन से वो आ रही थी। अबाउट 2 PM और लगभग 2 बजे थे, आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लेरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 degrees, लेरी जो था उनका नाविक था, तो 2 बजे मैं उनके पास पहुंचता हूं और मैंने कहा कि वो जो जहाज़ है उसको 180 degree से घुमा ले, यानी कि डायरेक्शन उसकी चेंज कर ले। इफ़ यू आर लकी, यदि हम किस्मत वाले रहे, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, विथ ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, एक कन्विक्शन था यानी कि एक सिर्फ विश्वास था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था कि वो सही है। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, और अगर हम लकी रहे तो हमें जो है वो क्या मिल जाएगा, वो आइलैंड मिल जाएगा 5 बजे तक, मतलब हम उस आइलैंड पर पहुंच चुके होंगे। देन विद ए हैवी हार्ट, और फिर एक भारी दिल से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और जो मेरी बंक यानी कि चारपाई या जो सोने की जगह थी वहाँ पर मैं जाकर सो गया, या वहाँ पर मैं जाकर बैठ गया, डॉस्ट ऑफ यानी कि सो जाना, तो मैं सो गया। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM, जब मैं जागा तो 6 बज चुके थे, एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा छाना शुरू हो गया था। आई न्यू, मैं जानता था, वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, कि हमने आइलैंड मिस कर दिया, यानी कि आइलैंड खो गया है, वो सही जगह हम नहीं पहुँच पाए, एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और नौका विहार करते करते यानी कि नाव पे चलते चलते हमने वो जगह छोड़ दी है, वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली वाइंड्स, हम उस वेस्टर्ली वाइंड यानी कि पश्चिमी हवा जो थी उसको वापस लाने की उम्मीद नहीं कर सकता था उस हवाओं से कि उनके सहारे हम वहाँ पहुँच जाएँ, यानी कि जो अंदाज़ा लगाया था वो गलत था। एट दैट मोमेंट, और उस समय a tousled head appeared by my bunk, और मैं बंक में जब सो रहा था तो tousled hair का मतलब होता है अस्त व्यस्त चेहरा, यानी कि पूरी तरह से बिखरा हुआ वो मुझे दिखा, और वो चेहरा क्या था, कैन आई हैव ए हग, क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ, गले लगा सकता हूँ, जोनाथन आस्ट, जोनाथन जो उसका लड़का था उसने बोला, शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और शू जो है उसके जस्ट पीछे ही खड़ी थी, तो ऐसा उसके लड़के ने आके कहा जिसके सर में चोट आई हुई थी, और वो चेहरा जो है वो ऑदर को एकदम दिखता है उसके पास जब वो उठा तब। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाव आई आस्क, तो मैंने पूछा, यानी कि ऑदर ने पूछा कि मुझे हग क्यों करना चाहते हो, मुझे गले क्यों लगाना चाहते हो, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने कहा, क्योंकि दुनिया में आप सबसे अच्छे पिताजी हो और सबसे अच्छे कैप्टन भी हो शिप के, इसलिए मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड, तो मैंने जवाब दिया, यानी कि ऑदर ने कहा कि नहीं नहीं आज मैं ऐसा साबित नहीं हुआ हूँ, मुझे डर है अब भी। वाई यू मस्ट बी एंड शू सेड शू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, एक मीन्स बहुत कन्फर्मिटी के साथ जो है वो उसने कहा, शू ने कहा उसकी बेटी ने, कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप हो बिल्कुल हो, यू फाउंड द आइलैंड, तुमने आइलैंड को ढूंढ लिया, यानी कि आइलैंड हमें मिल गया है। व्हाट आई शाउडेड,
और मैं चिल्लाकर मैंने कहा कि क्या, मीन्स एकदम चौंक कर सरप्राइज मैंने कहा कि क्या, ऐसा चिल्लाकर ऑर्डर कहता है कि अच्छा, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस दे चॉरस्ड, चॉरस्ड का मतलब होता है कि एक साथ एक स्वर में उन्होंने कहा कि ये देखो वो सामने आइलैंड है, एज बिग एज ए बैटल शिप, और इतना बड़ा है जैसे कि एक युद्ध पोत, बैटल शिप यानी कि जो युद्ध का जो बड़ा सा जहाज होता है उस जहाज के बराबर है, युद्ध पोत उसको कहते हैं, उसके बराबर है। आई रस्ट ऑन डेक, मैं दौड़ता हुआ डेक पर गया यानी कि वो ऊपर दौड़ कर गया, एंड गेज्ड, और मैं देखने लगा विथ रिलीफ काफ़ी आराम से एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइले एम्स्टर्डम, और आइले एम्स्टर्डम के उधर मैं देखने लगा जहाँ पर एक उजाड़ पर्वत था, यानी कि उसको मैं देखने लगा। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, और वो काई का बना था, वॉल्केनिक रॉक का, यानी कि ज्वालामुखी की चट्टानों से बना हुआ एक ब्लीक पीस था, यानी कि एक उजड़ा हुआ पहाड़ी टाइप थी, विथ लिटिल वेजिटेशन, जिसके कि बहुत कम वनस्पति थी, यानी कि वनस्पति ना के बराबर थी, द मोस्ट ब्यूटिफुल आइसलैंड आइलैंड इन द वर्ल्ड, और यह दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड था, यानी कि द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और रात पहुँचते पहुँचते हम जमीन पर जा पहुँचे थे, यानी कि लंगर हमने डाल दिए थे। लंगर डाल देने का मतलब होता है कि वो लंगर होता है, एक बड़ी सी जंजीरें होती है जो जहाज में डाली जाती है, तो हमने वो दूर तक लंगर डाल चुके थे रात होते होते। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह ऑल 28 हैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और फिर द्वीप पर रहने वाले टोटल 28 लोग थे, वो 28 लोग जो है वो खुश थे और हमें उन्होंने तट तक आने में मदद करी थी, वो सारे चीयर्ड अप मीन्स हमें वो खुश थे और हमें आइलैंड पर उतरने में मदद करी थी। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, और अब ज़मीन मेरे पैरों के नीचे आ चुकी थी, यानी कि अब मैं सही था, यानी कि टेंशन कम हो गई थी। माई थाट्स वर फुल ऑफ लेरी एंड हर्बी, हर्बी लेरी और हर्बी जो है उसके दो नाविक थे जो हायर करके ले गया था वो, उन दोनों के प्रति भी मैं खुश था और भावनात्मक रूप से मैं उनके साथ काफ़ी खुश था। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट डिस्ट्रेस, तो जो तनाव भरी वाली स्थिति थी उससे हम दूर आ चुके थे और अब मैं उनसे काफ़ी भावनात्मक रूप से खुश भी था। आइए कहते हैं एंड ऑफ मेरी, और मेरी के लिए यानी कि उसकी वाइफ के लिए, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और मेरी के लिए भी वो खुश था क्योंकि मेरी उस व्हील के साथ यानी कि पहिए के साथ उन क्रूशियल टाइम में वहाँ पर उसने मैनेज किया, यानी कि काफ़ी हेल्प करी। मोस्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा जो मैं था वो थॉट या सोच रहा था, आई थॉट ऑफ ए 7 ईयर्स ओल्ड गर्ल, मैं उस 7 वर्ष की लड़की के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहा था, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो कि उसके हेड में यानी कि सर में चोट लगने के ऊपर बाद भी वो हमें चिंता में नहीं डाल रही थी, यानी कि उसने हमसे नहीं कहा था। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव ए रिक्योरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कूल, और उसके सिर में ऑपरेशन के बाद 6 टांके लगे थे जो कि उसको खून तब जाके बंद हुआ था। इतनी गंभीर चोट लगने के बाद भी उसने हमें बताया नहीं था, वो हमें नहीं चाहती थी कि वो हमें टेंशन में डाले। एंड ऑफ ए 6 ईयर ओल्ड बॉय, और 6 साल के लड़के के बारे में मैं सोच रहा था, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो कि मरने से भी नहीं डर रहा था, उस लड़के के बारे में मैं सबसे ज़्यादा सोच रहा था जब धरती मेरे या ज़मीन मेरे पैरों के नीचे आ गई, यानी कि हम आइलैंड पर आ चुके थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा, ये लेसन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा जितना जल्दी पॉसिबल होगा। आगे की वीडियोस, आगे के लेसन्स के वीडियोस आपको मिलते रहें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।